यार एक वाइट फ्लावर ही क्या देखो पूरा इसके मैं सोचती भी हे गाइस वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है मकर संक्रांति, सुबह का टाइम है। मैं नहा करके पूजा करके आ गई हूँ, तो सबसे पहले खिचड़ी का दान ही निकालते हैं, इसके बाद फिर आगे कुछ करते हैं। तो मैंने निकाल दिया है, मैं इन लोग के लिए भी रख देती हूँ खिचड़ी, तिल के लड्डू और साथ में पैसा। तो खिचड़ी ये मूंग दाल और चावल से बनाया हुआ है। अभी ये लोग भी नहा रहे हैं, तो नहा करके आएंगे तो सबसे पहले ये लोग भी निकाल देंगे दान। और ये मैं आपको दिखाऊं बन रही है खिचड़ी। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता आज के दिन, सिर्फ सिंपल पानी चढ़ाते हैं और उसी पानी में आलू, मटर, टमाटर, गोभी, जो जो भी सब्जी ऐसे टाइप की होती है ना, वो सब डाल दिया जाता है पानी में। जैसे ही बॉयल होने लगता है ना, तो जो मूंग की दाल और चावल धुलते हैं उसको डाल देते हैं। और इसके सबसे बाद में ना, हरा मसाला जो पीसा होता है, धनिया, मिर्ची, लहसुन वाला, उसको मिला देते हैं। खिचड़ी बन करके रेडी हो गई है। और ये ना ऐसी पतली पतली खिचड़ी बनाई जाती है, साथ में मैंने बनाई है टमाटर की तीखी तीखी चटनी। 12 बज रहे हैं, हम लोगों ने खिचड़ी खा लिया है, मकर संक्रांति हो गई हमारी। तो अभी हम ना वो पहले वाली चीज ने ए कहाँ जा रहे हो? देखो देखो इसको कहाँ निकला जा रहा है, कहाँ कहाँ, ए इधर आओ, जल्दी आओ, इधर जल्दी इधर आ जाना, नहीं अभी पिटाई होगी तुम्हारी, जल्दी आओ इधर, इधर आओ जल्दी। ये आजकल ना ऐसे ही सीख गया है, थोड़े से मौका पाएगा ना कि इधर उधर निकल जाता है। और हम लोग खिचड़ी खा ली है, बाहर सब लोग धूप के मजे ले रहे हैं। नंदू भैया भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, सब लोग बैठ करके ना धूप के मजे ले रहे हैं। और बेटू तो बस भूखे जा रहा है इधर उधर इधर उधर। बेटू ने भी खिचड़ी का दान किया है, तो इसका मतलब पहला ही हुआ, क्योंकि पिछली बारी तो ये बहुत ही छोटा था, बिस्तर में था, तो कुछ ऐसा था नहीं। इसका पहला ही हुआ मकर संक्रांति। ए नन्नी नन्नी सुनो, नन्नी सबको हाय कर दो, हाय कर दो सबको। हाँ भी वो लिफ्ट नहीं मारेगा बाहर, है ना, तो बाहर उसको इतने मजा आते हैं यहाँ पर ऐसे। ओ, क्यों ये देख लो इधर, हाय नहीं करना। और बेटू को आप देख सकते हो नॉन स्टॉप शैतानी किए जा रहे हैं। और पहले मुझे लगता था ना कि जब ये चलने लगेगा तो मुझे आराम रहेगा, बट अब ये जब से चलने लगा है ना, तो और ज़्यादा शैतानी करने लगा है, कहीं भी हाथ से पकड़ लेता है। और अभी रेलिंग में पकड़ा हुआ था ना, तो इसके हाथ गंदे हो गए हैं, तो वही मैंने इनसे बोला कि वाइप्स ले आओ। और अभी तो ना ये चलने लगा है और परेशान करता है, इसने हाथ पूरे गंदे कर लिए हैं। तो अब मैं इसके हाथ वाइप से पोंछ देती हूँ। और बच्चों के साथ ना ऐसे ही होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, उनकी शैतानियाँ और बढ़ती जाती हैं। और माओं को लगता है ना कि थोड़े से और बड़े हो जाएं तो आराम मिलेगा, बट आराम कभी नहीं मिलता है, काम और ज़्यादा बढ़ ही जाता है। रूम का लुक थोड़ा सा चेंज कर दिया है, दिखाऊँ आपको, यहाँ की जो सेंटर टेबल थी ना वो, और जो छोटी छोटी और थी उनको हटा दिया है, सेंटर टेबल को एकदम साइड में कर दिया है। इधर ये नंदू भैया का लगा हुआ है बिस्तर, तो यहीं पे वो रात में सोते हैं। और सच बताऊं इतना अच्छा अभी यहाँ पे लगने लगा है ना, कि अपने बेडरूम से ज़्यादा मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, एकदम खाली खाली सा, क्योंकि बेडरूम में तो बहुत दिनों से रह ही रहे ना, तो वो पुराना पुराना सा लगता है। अभी कुछ यहाँ नया किया है ना, तो यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम खाली खाली है ना। वो जो ग्रीन कलर के लीव्स वाले थे वो सब मैंने हटा दिया है, तो अभी खाली खाली ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको दिखाऊँ तो इनके फ्रेंड आ रहे हैं भैया और लक्ष्मी, तो हम लोग तो उनके घर बहुत बारी जाते रहते हैं। और वो भी ऐसा नहीं है आए हमारे घर, बट तो उस दिन मैंने वीडियो नहीं शूट करा हुआ था, तो इस वजह से नहीं पता चल पाता है कि वो भी आए कि हम क्या गए। मैं जैसे गई तो मैंने शूट कर लिया, बट जब वो यहाँ आए थे तो फिर मैंने नहीं शूट किया था उस दिन वीडियो। तो आज आ रहे हैं वो लोग, आज हमारे घर में पार्टी है, मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल और कौन सी हम लोग के साइड तिलैया भी होती है ना, मतलब जितने यहाँ पे फेस्टिवल होते हैं ना, 3-4 इस टाइम पे, 2-3 के अंदर, वो सारे हम लोग एक दिन में मिलके सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो हमने सोचा कि हम उनको इनवाइट करते हैं अपने घर में और सेलिब्रेट करते हैं। यही तो होता है ना, सब लोग गेट टुगेदर करते हैं, मिलते हैं और इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, डांस करते हैं, तो आज वही पूरा प्लान है। नंदू भैया भी थे तो हमें लगा और अच्छा लगेगा, 4-5 लोग हो जाएंगे, और बच्चे तो हो ही गए हैं, बच्चे भी कितने, 3-3 बच्चे हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे लोग हो जाने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो हम लोग ना यहीं सब लोग बैठ बैठ करके ना खाएं पिएंगे, बातें करेंगे। आज यहाँ का
सेटअप हमने लगाया हुआ है, तो मैं चलती हूँ फिलहाल चाउमीन बना लेती हूँ क्योंकि मुझे चाउमीन बनाना है और फिर इसके बाद इडली और डोसा का प्लान है। तो गाजर का हलवा मैंने बना करके पहले ही रख लिया है। फिलहाल बातें बहुत हो गई, अब मैं चलती हूँ। ये मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से चाउमीन बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने तेल डाला था और इसके बाद फिर मैंने प्याज डाल दिया था और प्याज के बाद ही मैंने तुरंत टमाटर डाल दिया है क्योंकि सब्जियों को वैसे भी ज़्यादा नहीं पकाना होता है, बस टमाटर अच्छे से पका लेते हैं। और जब टमाटर पक गया ना तो फिर मैंने वही डाल दिया है, विनेगर, सोया सॉस, थोड़ा सा जो मेरा जलजीरा वाला रहता है ना वो तो हर चीज़ में पड़ता है, मैगी मसाला ये सब कुछ डाल दिया है और चिली सॉस भी मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है। और सबसे लास्ट में मैंने शिमला मिर्च और पत्ता गोभी मिलाई थी क्योंकि मुझे शिमला मिर्च पत्ता गोभी बिल्कुल भी पकाना नहीं था, बस हल्का सा मिला देना था। और इसके बाद फिर मैंने चाउमीन डाल दिया था और अभी आप देख सकते हो नमक भी डाला था, सॉरी बताना भूल गई। बेटू की मस्त से दिखाऊँ आपको, इसको मैंने ना अंदर छोड़ दिया था और ये ऐसे ही करता है, टीवी देखते देखते ना चलता जाएगा। इसका वॉक ना पूरे टाइम चलता रहता है, ये एक जगह ना चुपचाप बैठ करके टीवी नहीं देखता है। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं, ये घूमता जाएगा चलता जाएगा और टीवी देखता जाएगा, इसको ऐसे ही मजा आता है। यहाँ पर बेटू को दिखाऊं, उसकी फ्रेंड मिल गई ना तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था और अभी ये दोनों ना एक दूसरे को इतना पहचानने लगे हैं कि जैसे एक दूसरे को देखते हैं ना बहुत खुश हो जाते हैं और इतना खेलते हैं। बट अभी अब बेटू भी थोड़ा थोड़ा समझदार हो रहा है ना, तो एक दूसरे से टॉयज खींचते हैं, छीनते हैं कि नहीं ये वाला, और जो एक लेगा ना वही दूसरे को भी वही सेम चीज़ चाहिए होती है। मेरे एक और वो पानी की वजह से होता है। मेरे एक और ये है सीनियर, उनके हस्बैंड भी उसी में है उस पे, तो उनका भी थोड़ा मेरे पूरे फेस में यही दिख रहा है ना। अरे नहीं यार, लुकिंग ब्यूटीफुल यार, अकेला तो और आंखें दिखा दी, नाक दिखा दिया, मुंह दिखाता है। नहीं लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यही दिख रहा है। टिश्यू पेपर दे दो मेरे, वो जस्ट वो तुम देख रही हो ना इसलिए वो तुम्हें दिख रहा है, जबकि बहुत सुंदर लग रहा है वो। चांद में एक दाग लग ही गया। इट डज नॉट गेट ओपन, हू टोल्ड यू इट डज ओपन, इट डज नॉट गेट ओपन। अभी नीचे रख दो बेटा, इसे नीचे रख दो, अभी देखो मस्त डांस करेगा ये। डोसा बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है और इडली मैंने पहले ही चढ़ा दिया था तो ज़्यादा किसी ने कुछ खाया ही नहीं, मतलब ऐसा था ना कि स्टार्टर ही हमारा इतना ज़्यादा हो गया था कि लास्ट में डोसा खाने के टाइम पे ऐसा था कि बस एक एक ही खा लें तो बहुत है। और इन लोगों को ना क्रिस्पी डोसा ही पसंद है, तो ऐसे मैं ना खूब पका करके बिल्कुल क्रिस्पी डोसा ही बना रही थी और बस अभी एक एक ही सब ने खाया था तो तुरंत बन गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। वैसे अगर होता ना तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता। पार्टी हो गई है, अब हम लोग खाने पीने वाली पार्टी कर रहे हैं। खाने पीने वाली पार्टी ही स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे हैं, बट अब वो लास्ट वाला जो डिनर होता है ना वो वाला कर रहे हैं। बना रही मैं डोसा, इडली बन गई है, बस लास्ट में डोसा बनाने थे तो अब डोसा गर्मा गर्म बना करके मैं सबको देती जा रही हूँ। मैं क्या देती जा रही हूँ, मैं डोसा बनाती जा रही हूँ, लक्ष्मी सबको सर्व करती जा रही है। बताओ ऐसे कोई मेहमान नवाजी होती है कि किचन में घुस करके काम करवाना पड़ेगा।
बट हमारे यहाँ हो जाते हैं कभी कभी इतना लेट हो गया है ना, और 5 लोग हैं तो ऐसा है कि कोई कुछ कर ले कोई कुछ कर ले। वैसे नंदू भैया हैं ले ले करके जा रहे हैं, लक्ष्मी है सर्व करती जा रही है, मैं बनाती जा रही हूँ, तो ऐसे ऐसे करके ना सबकी हेल्प हो जा रही है एक दूसरे की। और वो तो इतना ज़्यादा इनाया दीदी में खुश है ना कि वो पूरे टाइम बस इनाया दीदी के साथ ही खेले जा रहा है। उसको अब मम्मा पापा की बिल्कुल याद नहीं आ रही है, बस इनाया दीदी के साथ ही पूरे टाइम से खेल रहा है। 2-2.5 घंटा हो गया और वो बस खेले जा रहा है। देखो मैंने स्लो कर रखा है, वही मैं कह रही हूँ कि पक क्यों नहीं रहा है ज़्यादा तेज। हाँ बट पक क्या होगा प्रची? हाँ थोड़ा सा और इधर कर दूँ। मुझे ना क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा पसंद है, तो सामने वाले को सर्व करने में भी वैसा ही फील आता है कि क्रिस्पी वाला है। हाँ, हाँ।